चैप्टर 5 देख रहे हैं, मैग्नेटिज्म और मैटर। मैग्नेटिज्म और मैटर के बारे में बात करेंगे। जो शब्द है मैग्नेट, ये कहां से आया है? ये एक आइलैंड है ग्रीस में जिसका नाम है मैग्नीशिया, जहां पर मैग्नेटिक ओर के बहुत सारे डिपॉजिट्स मिले। शेपर्ड्स जो थे, जानवरों को जो चराते थे, उन्होंने कहा कि देखिए जो उनके जूते हैं, उनके नेल्स, वो नेल्स चिपक जाते हैं ग्राउंड में। और साथ में अगर फ्लॉक्स के बारे में बात करें, जानवरों के बारे में बात करें, तो वहाँ जहाँ जहाँ लोहे के मटेरियल थे वो चिपक जा रहे थे। अब ग्रीक्स ने ये देखा कि ये जो स्टोन है वो मैग्नेटाइट के हैं, यानी Fe3O4, क्योंकि इसमें आयरन है, ये अट्रैक्ट करते हैं, जो आयरन के पीस है उनको अट्रैक्ट करते हैं। चाइनीज़ वो पहले लोग थे जिन्होंने मैग्नेटिक नीडल्स का यूज़ किया ताकि नेविगेशन किया जा सके शिप्स में। कैरावेंस उन्होंने यूज़ किया मैग्नेटिक नीडल को ताकि वो डेजर्ट यानी कि जो मरुस्थल है उनको क्रॉस किया जा सके। तो मैग्नेटिज्म बहुत पुरानी बात है, बहुत पहले से चली आ रही है और ये हर जगह है। और अर्थ के मैग्नेटिज्म जो है बहुत ह्यूमन एवोल्यूशन से बहुत पहले की बात है इसमें। तो 1269 में एक फ्रेंचमैन साहब थे, पियर डी मैरिकॉन, इन्होंने क्या किया कि जो मैग्नेटिक लाइन आ रही है उनको मैप किया सरफेस पे, किसके, एक स्फेरिकल गोलाकार नेचुरल मैग्नेट, और उसके लिए उन्होंने मैग्नेटिक नीडल का यूज़ किया। उन्होंने ये देखा, ऑब्जर्व किया कि जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक लाइन्स के, जो स्फीयर पे बन रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो निकल रहे हैं, पास हो रहे हैं दो पॉइंट, जिसको डायमेट्रिकली अपोजिट कहा जा सकता है। यानी कि इस तरीके से उन्होंने देखा, यहाँ से निकल रहे हैं इधर और इधर से, इस तरीके से उन्होंने जानकारी प्राप्त की। इसको उन्होंने कहा कि पोल्स हैं, मैग्नेट के पोल्स हैं। उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट हुए, उन्होंने ये दिखाया, ये दर्शाया कि जितने भी मैग्नेट है, कोई भी उनका शेप हो, कोई भी साइज हो, उनके दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल जिसको हम आज से एन कहेंगे, साउथ पोल जिसको हम एस कहेंगे, कैपिटल एस का नाम देंगे। और कुछ इसमें और फैक्ट थे मैग्नेटिज्म के बारे में, जैसे अर्थ ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड अप्रॉक्सीमेटली कहाँ से जाती है, ज्योग्राफिक सॉर्ट से नॉर्थ डायरेक्शन में। जब एक बार मैग्नेट को हम सस्पेंड करते हैं, अच्छा ये अप्रॉक्सीमेटली कहाँ है इसके बारे में बात करेंगे, अगर आप इसको इस तरीके से मान रहे हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है, इस तरीके से आती है, तो नहीं है, वो इस डायरेक्शन में है थोड़ी सी, कुछ 11.5 डिग्री इसका इससे एंगल बनता है। इसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। जब बार मैग्नेट को आपने, जैसे बार मैग्नेट मतलब होता है बार की तरह, चॉकलेट बार की तरह, इसको हमने सस्पेंड किया इसके मिड पॉइंट से, इस तरीके से कि ये फ्रीली रोटेट कर सके हॉरिजॉन्टल प्लेन में, यानी कि इस तरीके से ये रोटेट कर सके। तो जब ये रोटेट करेगा, ऑसिलेट करेगा, ये तब तक रोटेट करता रहेगा जब ये नॉर्थ साइड डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाके फिक्स ना हो जाए, रुक ना जाए। ज्वाइंट है मैग्नेटिक मैग्नेट का, जो पॉइंट कर रहा होगा नॉर्थ को, उसे हम मैग्नेटिक नॉर्थ पोल कहेंगे, और जो एंड पॉइंट कर रहा होगा, यानी कि मान लीजिए ये जाके इस तरीके से रुक गया, इस डायरेक्शन में रुक गया, तो नॉर्थ को हम नॉर्थ डायरेक्शन कहेंगे, नॉर्थ पोल कहेंगे, साउथ को हम साउथ पोल कहेंगे। जो एक जैसे पोल्स हैं वो एक दूसरे को दूर भगाएंगे, रिपेल करेंगे, और जो अनलाइक है, जैसे नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, ये आपस में एक दूसरे को खींचेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है एक इलेक्ट्रिक डायपोल में, उसको हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, हो सकता है ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे, जिसको हम इलेक्ट्रिक मोनोपोल्स कहते हैं। यानी कि जो मैग्नेट है जिसके दो पोल्स हैं, इसको हम मैग्नेटिक डायपोल का नाम देंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि डायपोल, हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते थे, तो प्लस क्यू और माइनस क्यू अगर किसी डिस्टेंस टू ए पे रखे हैं तो आप इसे हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहते थे। यहाँ पर नॉर्थ है, साउथ है, इनके बीच में कुछ दूरी है, तो इसको हम मैग्नेटिक डायपोल कह रहे हैं। लेकिन जो मैग्नेटिक पोल्स हैं वो हमेशा आपको पेयर में मिलेंगे। जो नॉर्थ, जैसे चार्ज ये इंडिपेंडेंट भी एग्जिस्ट करता है ना, प्लस क्यू अलग से एग्जिस्ट करता है, लेकिन मैग्नेटिक पोल्स जो है वो नॉर्थ साउथ के पेयर में आपको मिलेंगे। जो नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक पोल्स है उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते अगर हम उसको दो भाग या तीन भाग में तोड़ दें। यानी कि अगर हमने इसको तीन भाग में तोड़ दिया, यहाँ तीन भाग में बन गया, तो इसके अपने आप नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ पोल बन जाएंगे, राइट? तो जो इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक मोनोपोल है, जैसे आपने कहा कि मुझे केवल एक नॉर्थ पोल चाहिए, या ये दे दीजिए साउथ पोल दे दीजिए, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक? हो सकता है कि ये आगे चल के मिले, इसकी सर्च अभी तक है, ये भी एक रिसर्च का एक विधा है, एक एंगल है। तो मैग्नेट हम कैसे बना सकते हैं? हम आयरन और अलॉय से बना सकते हैं। तो इस डिस्कशन में हम समझेंगे कि इक्वलेंस क्या है मैग्नेटिक फील्ड किसी बार मैग्नेट की, और सोलेनोइड की क्या मतलब, इन दोनों में इक्वलेंस क्या है,
जो मैग्नेटिक मोमेंट है किसी भी ऐसा लूप बन रहा है जिसमें करंट है, और जो डायपोल मोमेंट है एक इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है एटम में उसका डायपोल मोमेंट क्या हो, ये हम देखेंगे। जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है जिसको हम आगे चल के बी बी से रिप्रेजेंट करेंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है किसी मैग्नेटिक डायपोल द्वारा जो बनाई जा रही है या क्रिएट की जा रही है इक्वेटर पे और एक्सिस पे, ये भी हम कैलकुलेट करेंगे। इक्वेटर मतलब होता है कि मान लीजिए इस जगह पे निकालना था, ये इक्वेटर हो गया इसका ये, और ये इसकी एक्सिस हो गई। इस तरीके से जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की, जियो मैग्नेटिक एलिमेंट्स क्या है, और साथ में पैरा डाया और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल के साथ भी हम देखेंगे। और आखिर में हम ये कोशिश करेंगे कि इस परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट्स का उपयोग क्या है, इनका क्या, इनकी क्या ज़रूरत है, और हम नॉर्मल लाइफ में कहाँ इसे यूज़ करते हैं। एक बार मैग्नेट को समझिए, एक बार मैग्नेट मतलब जैसे चॉकलेट बार होती है इस तरीके से, इसको हम बार मैग्नेट कहते हैं। इसका एक पोल होगा नॉर्थ, एक होगा साउथ। तो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने, इन्होंने क्या देखा कि इन्होंने मैग्नेट एज अ गिफ्ट पाया, जब ये छोटे थे तो इनको एक गिफ्ट मिला मैग्नेट, तो बड़े फैसिनेट हुए, बड़ा बड़ा खेला इन्होंने इनके साथ, इसके साथ मैग्नेट के साथ। तो जैसे देखा उन्होंने कि मैग्नेट एकदम अपने आप आकर्षित कर रहा है नेल्स को, पिन्स को, यानी कि जो कील है पिन है, तो उन्होंने ये सोचा कि कैसे ये मैग्नेट इनको अट्रैक्ट कर रहा है और छू नहीं रहा है, यानी कि इस दूरी पे अगर नेल रखा हो या पिन रखी हो तो इसे अपने आप आकर्षित कर लेता है। इस फिगर को बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो फिगर है ये अरेंजमेंट है आयरन फिलिंग्स का, जो एक प्लेन पेपर पे आपने ऐसे फैला दिया। अब ये बार मैग्नेट रखा गया, जब पेपर को आप टैप करेंगे दो या तीन बार, मतलब उसको हाथ से थपकी देंगे, तो जो आयरन फिलिंग है वो कुछ इस तरीके से रीअरेंज हो जाएंगी कि आपको बाकायदा एक पैटर्न मिलेगा जो मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है। ये इस तरीके से बन गया कि ये जो आप पैटर्न देख रहे हैं, यहाँ का जो पैटर्न देख रहे हैं, ये जो आप इस डायग्राम में भी आपको बताऊंगा मैं, ये जो पैटर्न है ये बाकायदा पैटर्न बन गया। क्यों? क्योंकि मैग्नेट है। उस कारण से ये जो आपने प्लेन पेपर पे आयरन फिलिंग्स डाल दी, फैला दी थी, वो एक बाकायदा एक पैटर्न में जमा हो जाएंगी। यही पैटर्न आपका बनेगा या यही पिक्चर आपका बनेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, जब बार मैग्नेट को आप रिप्लेस कर देंगे एक सोलेनोइड से, और उसके उसके थ्रू आप डीसी करंट पास करेंगे। यानी एक तो मैग्नेट हो गया, एक आपका सोलेनोइड हो गया, और यहाँ पर आपने इस पर करंट पास कर दिया, तो उस इससे भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी जो कि कुछ इसी तरीके से आपका एक पैटर्न बनाएंगे। तो ये बार मैग्नेट है आपका, ये बार मैग्नेट है, यही बात मैंने कही सोलेनोइड के लिए, और ये है इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए। ये आपका माइनस है, ये प्लस है। डायपोल में मतलब नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है आपका, इलेक्ट्रिक डायपोल है ये। तो इससे कहने का मतलब ये प्रूव हो गया कि बार मैग्नेट हो, चाहे सोलेनोइड हो, चाहे इलेक्ट्रिक डायपोल हो, ये सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं और उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है। तो इस फिगर को अब देखिएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बता रहे हैं, एक बार मैग्नेट है, इसको आप एक बार मैग्नेट मान लीजिए, राइट। और ये आपका एक छोटा शॉर्ट सोलेनोइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण वो यहाँ पर है। अब इस इन फिगर को देख के हमें क्या क्या पता चलता है, इसको देखिए। पहला क्या है, पहला ये बता रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है किसी भी मैग्नेट की या सोलेनोइड की, ये एक लूप बनाती है। कहने का तात्पर्य है कि ये देखिए गोलाकार शेप बना रही है, ये गोलाकार शेप बना रही है। अगर ये इनको जो छोड़ दिया गया ना, इसको भी मैं आगे बढ़ाऊँ तो ये गोलाकार बनाएंगे, ऐसे करके गोलाकार बना देंगी। ये जो है ये भी, ये जैसे ये है, ये भी इस तरीके से आगे जाके गोल, इसको मान लीजिए एक सर्कल पूरा हो रहा है, तो एक गोलाकार क्षेत्र बना रही है, यानी कि क्लोज लूप बनाएंगे। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कहाँ से निकल रही है, नॉर्थ पोल से। ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में जाके वो एंटर हो जाती है, साउथ पोल पे जाती है और एंटर हो जाती है। मतलब अगर साउथ पोल पे देखेंगे तो केवल एंटरिंग आपको ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स मिलेंगी, और ये फिर अंदर आके फिर यहाँ से यहाँ तक सीधी नॉर्थ तक पहुँचेंगी। इसीलिए ये पूरी एक लूप बना रही है, एक गोलाकार क्षेत्र बना रही है, यानी कि क्लोज सर्फेस बना रही है। इलेक्ट्रिक डायपोल में ये जो फील्ड लाइन है ये कहाँ से बिगन हो रही है, ये पॉजिटिव चार्ज से, देखिए पॉजिटिव चार्ज से निकल रही है, और नेगेटिव चार्ज में ये अंदर जाके एंटर हो रही है, राइट। और नेगेटिव चार्ज, या फिर अगर इसके अंदर घुसेंगे तो ठीक है, नहीं तो इन्फिनिटी में निकल जाएंगी। तो हमारे पास एक ऐसा स्टैटिक अरेंजमेंट, ऐसा अरेंजमेंट एक इम्पॉसिबल हो जाएगा इलेक्ट्रिक चार्जेस का, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्लोज फील्ड बनाए। कहने का मतलब ये है कि जहाँ मैंने नॉर्थ और साउथ पोल की बात की, यहाँ तो मैंने लूप बना दी,
लेकिन यहाँ पर मैंने कहीं नहीं बोला कि यहाँ से निकल तो रही है, यहाँ से आ तो रही है, लेकिन ये यहाँ से निकल के यहाँ पहुँच रही है। नहीं, ये यहीं से निकल रही है और ये यहाँ पहुँच रही है। तो कहने का मतलब ये है कि एक स्टैटिक अरेंजमेंट इलेक्ट्रिक चार्जेस का बहुत मुश्किल है बनाना, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बना रही है। ये स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की एक टिपिकल प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड और आपके इलेक्ट्रिक फील्ड में ये अंतर है। अगर आप किसी भी मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ये है यहाँ पर आइए, इस पे अगर टेंजेंट बना दें तो ये आपको डायरेक्शन बता देगी। जो टेंजेंट है इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, किसी भी पॉइंट पर आएंगे और जहाँ पर आप डायरेक्शन इसका टेंजेंट बना देंगे, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता देगी। बी बी आपका मैग्नेटिक फील्ड है, डायरेक्शन लेनी है तो उसके ऊपर एरो लगा दीजिए, यानी कि इसको वेक्टर बना दीजिए। इस पॉइंट पे आ जाइए, यहाँ पर इस पॉइंट पे, तो आप यूं देखेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। जैसे एक कॉम्पास नीडल है, इसको हम यूज कर सकते हैं ताकि मैग्नेटिक फील्ड किसी भी बार मैग्नेट का हम ट्रेस कर सके, अलग अलग पोजिशन पे ला सके। और वो क्या बना बता रहा होगा, वो टेंजेंट ही तो बता रहा होगा आपका। यानी कि एक अगर इस तरीके से मैं एक मैग्नेटिक नीडल हो इस तरीके से, अब यहाँ डायरेक्शन में आपने लगा तो ये इस डायरेक्शन में, यहाँ ये इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। बेसिकली वो क्या बताता है, वो टेंजेंट का डायरेक्शन ही तो बता रहा है। जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड की किसी भी रीजन में, जो एक मैग्नेटिक फील्ड के आसपास है, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जो पास हो रही है नॉर्मल, उस यूनिट एरिया के नॉर्मल। मतलब अगर ये यूनिट एरिया है तो इसके नॉर्मल, कैसे इस तरीके से बनाते हैं इसको, इसके नॉर्मल परपेंडिकुलर, राइट। इस फिगर में आप देखिएगा कि जो आपको मैं पिछले 55.3 AB जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का, वो करीब में, ये करीब में बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे ही आप दूर गए यहाँ पर ये दूरी बन गई इनकी। यहाँ पर भी देखिए दूरी बन गई, यहाँ पर एकदम करीब करीब है, बहुत करीब है। एक और इसमें एक चीज आती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो आपस में इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगे। मान लीजिए ये आपकी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। अगर ये इंटरसेक्ट कर रही है तो इंटरसेक्ट पॉइंट पे हम टेंजेंट बनाएंगे, एक ये टेंजेंट बनेगी, एक इसके कारण ये टेंजेंट बनेगी। यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही पॉइंट पे दो जगह दिखा रहा है, जो कि इम्पॉसिबल है। एक ही जगह पे दो डायरेक्शन तो नहीं हो सकते ना, एक ही होगा। तो ये इसका मतलब ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। करंट लूप एज अ मैग्नेट एंड इट्स डायपोल मोमेंट, बहुत ध्यान से देखिएगा, हम बात कर रहे हैं कि करंट लूप उस वो एज अ मैग्नेट और उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। तो हमने पिछले डिस्कशन में देखा कि एक लूप है जिसका एरिया ए है और उसमें एक करंट है आई, वो किसकी तरह काम करता है, एक मैग्नेट की तरह काम करता है, जिसका डाइपोल मोमेंट भी हमने निकाला था। कहने का मतलब अगर मैं एक ऐसे करके एक सर्कुलर एरिया ले लूं या वायर ले लूं और इसमें करंट बह रहा है और उसमें आई करंट बह रहा है, इसका एरिया जो है वो ए है, तो बाकायदा इसका इसमें एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा, जो जिसकी वैल्यू है आई इंटू ए। इस आई जो करंट बह रहा है और इसका एरिया क्या है, एम इक्वल टू आई ए, इसको हमने कहा मैग्नेटिक मोमेंट है डाइपोल। तो जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है करंट लूप, जैसे बार मैग्नेट बनाता है, उसका डायपोल मोमेंट हम कह रहे हैं एम है। तो जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक मोमेंट एम उस लूप का, इसको हम कैसे निकालेंगे, एम बार, मतलब इसको आप एम बार कर दीजिए, आई और ए बार कर दीजिए। ए बार क्या होगा, ये एरिया है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो होगा वो एरिया वेक्टर होता है। तो यदि इस, मान लीजिए ये एक सर्कल है, ऐसे बहुत सारे सर्कल हो, एक ऐसे बहुत सारे बना दिए मैंने, तो जो एन टर्न होंगे तो एम को एम कहाँ से बनेगा, एक्स के कारण आई ए, इसके कारण आई ए, इसके कारण आई ए, यानी एन इंटू आई ए। ये टोल कुल मिला के आपका मैग्नेटिक मोमेंट बन गया एन टर्न्स के कारण। तो यदि एक लूप है, अगर एक पॉइंट है एक्सिस पे, इस लूप के जिसका रेडियस ए है, बहुत दूर है ये, तो मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाली हुई है। मान लीजिए ये एक लूप है और हमने कहा इस जगह पे, बहुत इस जगह पे पी पॉइंट पे हमको निकालना है इस लूप के कारण, ये भी हम निकाल चुके थे। हमने कहा इसका रेडियस ए है, इसका डिस्टेंस एक्स है और एक्स जो है वो बहुत बड़ा है ए से। तो हमने कहा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो म्यू जीरो आई ए स्क्वायर बाई 2x³ था, एक्स यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब देखिए कि जो आई ए स्क्वायर है, आपने कहा कि मैं पाई को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये पाई ए स्क्वायर को अगर मैं ले लूँ तो पाई ए स्क्वायर क्या होता है, एरिया होता है। इस पाई ए स्क्वायर की जगह मैं ए लिखता हूँ, ए लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ, तो यहाँ आई इसकी जगह मैं ए लिख देता हूँ, तो ये जगह म्यू जीरो बाई पाई 2π आई ए बाई एक्स क्यू। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये आई ए, अभी अभी मैंने कहा कि ये तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है ये वाला आई ए, तो एम रख दीजिए इसमें, तो क्या है
ये मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेट कर दिया हमने। अब जो जो मैग्नेटिक फील्ड है और एम उसका सेम डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड जहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वहीं तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बनेगा, तो हम क्या करेंगे इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे। जब जो एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड है अगर हम उसको मैग्नेटिक मोमेंट डायपोल मोमेंट एम के फॉर्म में रखना चाहेंगे, तो हमारी ये जो इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है, ये एप्लीकेबल होगी एक शॉर्ट, चाहे आप छोटा बार मैग्नेट लेंगे ले और उसका डायपोल मोमेंट अगर एम होगा तो ये उसके लिए भी काम करेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो हमने यहाँ पर ये भी बता दिया कि एक मैग्नेट के लिए भी यही काम करेगा। अब डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक पोल की, अगर एक करंट कैरिंग लूप है इसमें कैसे बताएंगे आप कि साउथ पोल है कि नॉर्थ पोल है, तो ये मैग्नेटिक साउथ पोल कैसे बना, देखिए इसको ये एस एस से बना है, इस एस के डायरेक्शन से ही पता लग जाएगा आपको, इस एन के डायरेक्शन से ही पता लग जाएगा आपको। ओके, अब ये देखिए मान लीजिए करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बह रहा है, तो अगर मैं इसको एस इस तरीके से लिखूं तो ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज में होगा, ये भी क्लॉकवाइज में होगा, इसका मतलब ये साउथ साउथ पोल बना रहा है। अगर ये इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज में बह रहा है, तो अगर मैं एन लिखूं और इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दूं, इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दूं, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन गया। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इसका मतलब ये नॉर्थ पोल बना रहा है। तो यहाँ पर आप एक ये वाला फिगर जो बता रहा हूँ, यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक सर्कुलर लूप है जो इस पेज पे है। अब राइट हैंड अगर हम रूल लगाएं तो जो साइड है लूप का अपने तरफ वो कैसे काम करेगा, एक मैग्नेटिक साउथ पोल की तरह काम करेगा, लेकिन जो अपोजिट साइड होगा लूप का वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा। जो सिंबॉलिक आप एस देखिए ये पूरी तरह डिनोट कर रहा है मैग्नेटिक साउथ पोल जो हमारी तरफ पॉइंट कर रहा है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं पीछे की तरफ से देखूं तो मुझे इस तरीके से दिखाई देगा। अगर करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जो साइड है आपके लूप टुवर्ड जो हमारी तरफ आ रहा है, क्योंकि अब हमारी तरफ की बात हो गई, अब करंट जो है उल्टी डायरेक्शन में बह रहा है, तो यहाँ पर आपका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल बनेगा। इस एन से भी आप पता कर सकते हैं कि ये किस डायरेक्शन में बह रहा है। इसका अपोजिट डायरेक्शन देख लीजिए आप, जैसे मैं सामने खड़ा हूँ आप पीछे की तरफ खड़े हो जाइए और इसको देखने लगे तो आपको ये नॉर्थ की जगह साउथ दिखने लगेगा। मैग्नेटिक मोमेंट एक इलेक्ट्रॉन का जो रोटेट कर रहा है अराउंड अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ये आपका मान लीजिए एक न्यूक्लियस है, इसके अराउंड ये इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा है, रेवोल्यूशन कर रहा है, राइट। तो अब यहाँ पर हम जानना चाहते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट इस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा जो इस न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, तब हम क्या निकालेंगे। जैसे आप जान चुके हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे होती है, वो जब चार्ज पार्टिकल का मोशन होता है, उनका घुमाव होता है, उनका चलन होता है एक इलेक्ट्रिक करंट द्वारा, तब हमारी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। तो जितने भी मटेरियल है जिसमें एटम्स हैं, यहाँ पर एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं क्योंकि ये डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर पे, तो वो अलग अलग ऑर्बिट में घूमते हैं, के ऑर्बिट, एल ऑर्बिट, एम ऑर्बिट, अलग अलग ऑर्बिट में के एल एम एन तरीके से आपका ऑर्बिट होता है, यानी कि ये एक ऑर्बिट होगा, ये एक ऑर्बिट होगा, ये एक ऑर्बिट होगा, इस तरीके से आपका घूमता रहता है। तो जो ये मोशन है इलेक्ट्रॉन का इस ऑर्बिट में, इसको हम समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट है क्लोज पाथ में, क्यों, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही तो करंट होता है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूम रहा है तो इसका मतलब करंट पैदा हो रहा है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या बनेगा, करंट मान लीजिए आई, इस इलेक्ट्रॉन का करंट आई मान लीजिए, एरिया मान लीजिए ये छोटे वाले का एरिया ए है, इस बड़े वाले का ए टू है, तो ए वन वाला आई ए वन हो जाएगा, दूसरे वाले का आई ए टू हो जाएगा, चार्ज तो सेम रहेगा तो करंट सेम रहेगा, है ना। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो हम उसको, जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो हम करंट ही तो मानते हैं, तो करंट हमने आई ले लिया, किसी भी एरिया में के एल एम एन शेल पे वो घूम रहा है तो उस शेल के हिसाब से उसका एरिया मान लिया। तो जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किसी एटम का, किसी भी एलिमेंट का, डिपेंड किस पे करता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन का अलग अलग ऑर्बिट में और उनके स्पिन पे, क्योंकि यहाँ पर जैसे हमारी पृथ्वी है जब घूमती है सन के अराउंड तो वो अपनी धुरी पे भी घूमती है, अपने एक्सिस पे भी वो घूमती है ताकि दिन रात बनते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी घूमता होता है। तो इस फिगर को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपका एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, वो मूव कर रहा है कॉन्स्टेंट स्पीड, उसकी हमने माना कि वी है, एक सर्कुलर ऑर्बिट में जो आर डिस्टेंस पे हम मूव कर रहे हैं। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो एक करंट की संज्ञा हम इससे दे सकते हैं कि हाँ भाई कोई करंट है। यदि इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है एक डिस्टेंस जैसे 2πr, इस तरीके से घूमेगा तो 2πr डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से गया वापस आया तो 2πr डिस्टेंस ट्रैवल किया, यानी कि सर्कमफेरेंस सर्कल का इसने कवर किया टाइम टी में मान लीजिए। तो हम जानते हैं ऑर्बिटल स्पीड जो वी होती है वो 2πr इंटू टी,
यानी कि डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से यहाँ तक घूमने का, 2πr, टाइम इसका जिस जो यहाँ से यहाँ तक घूमने में इसको टाइम लगा, यानी कि इसका टाइम पीरियड या ऑर्बिटल टाइम का हार्ट कैपिटल टी, इसकी स्पीड हो गई, स्पीड हम जानते हैं डिस्टेंस बाय टाइम से होता था, डिस्टेंस 2πr बाय टी, यानी कि जो करंट आई है वो जो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहा है आई, वो क्या होगा, आई क्या होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन बाय टाइम है ना, ई बाय टी हो गया है। अब टाइम क्या आप कह रहे हैं टी, ये होता है 2π बाय ओमेगा, हम जानते हैं ओमेगा वी बाय आर होता है, वी इक्वल टू आर ओमेगा, ये हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस डिस्कशंस में देख चुके हैं, टाइम होता है 2π बाय ओमेगा, ओमेगा है वी बाय आर, राइट। अब देखिएगा ये आई है आपका 2πr बाय टी, टी आपका आया 2π बाय ओमेगा, ओमेगा है आपका वी बाय आर, इस ओमेगा की जगह हम वी बाय आर रख देते हैं, क्या आ गया इस तरीके से कुछ आ गया, और आई की जगह ई बाई टी है, तो यहाँ पर हम ये सब वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास आई अल्टीमेटली क्या आ गया, हमें टी की जगह ये संख्या रख दी, ये वाली टी की जगह 2πr बाई वी रख दिया, वी की जगह आपने आर ओमेगा रख दिया, या ओमेगा की जगह वी बाय रख दिया, तो अल्टीमेटली आई बन गया आपका ई वी बाय 2πr, ये एक फॉर्मूला आ गया। जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट बन रहा है, ध्यान रखिएगा जब करंट आई बह रहा है, एरिया ए है, तो आई इंटू ए तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, तो इस ऑर्बिटल मोमेंट के कारण इस लूप में जब ये घुमाव घूम रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा आई इंटू ए। आई कितना है, आई यहाँ से ले लीजिए या ये ले लीजिए, एरिया क्या है यहाँ से यहाँ तक घुमा, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बन जाएगा हाफ इंटू ई इंटू वी इंटू आर, इंटू वी इंटू आर, एरिया यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा एरिया चेंज हो सकता है क्योंकि आर चेंज होगा, के एल एम एन अलग अलग जो सर्कल्स हैं जिसपे घूम रहा है उसके आर अलग अलग होंगे, लेकिन फिलहाल हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया मैग्नेटिक मोमेंट, अगर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो हाफ इंटू ई इंटू वी इंटू आर। अब इस इलेक्ट्रॉन के लिए जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा एल, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है मास इलेक्ट्रॉन का इंटू वी इंटू आर, ये ऑर्बिटल मोमेंटम, ऑलरेडी मोमेंटम क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी, लेकिन जब एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं तो वो होता है एम इंटू वी इंटू आर, ठीक। तो एम इंटू वी इंटू आर जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया, अब एम जीरो इस ई, ये जो है आपका एम इंटू वी इंटू आर तो हो गया एल एंगुलर मोमेंटम। आपने कहा कि भाई हम मोमेंट कैसे निकालेंगे, हमने कहा ई बाय टू इंटू एम ई इंटू एम ई इंटू वी इंटू आर, यानी कि हमारा ये जो मोमेंट आ गया एम जीरो को हम इस तरीके विभक्त कर सकते हैं। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको ध्यान से समझिएगा, मैं इस हाफ ई वी आर को मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ ई बाय टू एम ई इंटू एम ई इंटू वी इंटू आर, देखिए एम ई कट जाएगा, ये हाफ ई वी आर ही तो आ जाएगा, तो इस फॉर्मूले को मैं कुछ इस तरीके से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं इस तरह से लिखूंगा तो इसको मैं कैपिटल एल ले सकता हूँ, यानी कि एंगुलर मोमेंट, इस तरीके से लिख दिया, इस जगह पे हमने कैपिटल एल डाल दिया, ये हो गया ई बाय टू एम ई इंटू एल, ठीक। तो इस इक्वेशन से ये हमको बताता है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है इलेक्ट्रॉन का वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, उसके ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की, ये किसके प्रोपोर्शनल हो गया, इसके प्रोपोर्शनल हो गया, क्योंकि जो चार्ज इलेक्ट्रॉन का वो नेगेटिव है, तो जो वेक्टर होंगे एम जीरो और एल, यानी कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है और जो एंगुलर मोमेंटम है वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, जो ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन की हो रही है उसके परपेंडिकुलर होंगे और अपोजिट होंगे, यानी एम जीरो जो आपका होगा, अगर मैं इस पर, ये तो मेरी मैग्नीट्यूड थी, अगर मैं इस पर एरो लगाने की कोशिश करूँ तो मुझे डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा, डायरेक्शन जब मैं बोल रहा हूँ कि ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसको हमको माइनस लगाना पड़ेगा, जैसे हम एरो लगाए, ये जो ई बाई टू एम ई हमने इंट्रोड्यूस किया, ये केवल इसलिए किया था ताकि ये आ सके, लेकिन इसको हम कहते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो, इस कॉन्स्टेंट को हम कहते हैं ई बाई टू एम ई, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, टू आपका टू है, एम ई जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम गायरो मैग्नेटिक रेशियो कहते हैं, इसकी वैल्यू जो है 8.8 इंटू 10 की पावर 10 है। अब मैग्नेटिज्म मैटर में जो मैग्नेट है आमतौर पे आयरन से बनाया जाता है, यानी कि एफ ई से बनाया जाता है, जो एटम है आयरन के उनमें एक अपने आप मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, लेकिन अगर ऑर्डिनरी पीस ले आयरन का, कोई भी आयरन का पीस उठा लीजिए, हर आयरन तो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करता है, लेकिन अगर यही आयरन पीस को आप लें और उसको मैग्नेट बना दें, कैसे बनाएंगे, अगर इसको बड़े एक बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में रख दें किसी समय के लिए और मैग्नेटिक फील्ड को हटा दें तो उसमें कुछ रिटेन करेगा, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिटेन करेगा। इस फिगर को ध्यान से देखिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि एक वायर है,
इसको वाउंड किया गया, मतलब घुमाया गया, बांधा गया। इस तरीके से घुमा के यहाँ पर एक वायर यहाँ पर रखा गया, एक मान लीजिए एक पीस ऑफ आयरन है यहाँ पर। यदि IF एक करंट हमने जो पास किया वो अगर जीरो है, जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है करंट लूप का, वो रैंडमली ओरिएंटेड है, किसी भी डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो सकता है। लेकिन जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मोमेंट होगा इस आयरन पीस का, वो जीरो होगा, क्योंकि आयरन पीस अभी मैग्नेट का तरह काम नहीं कर रहा, अभी इसमें कोई करंट वरंट पास नहीं किया हमने। लेकिन जैसे ही हमने इसमें IF करके एक या I करके एक करंट पास कर दिया वायर के थ्रू, एक बड़ी ज़बरदस्त मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी इस आयरन पीस में। इसके कारण जो एलिमेंट के एटॉमिक करंट है, या ये कहें कि जो एलिमेंटल एटॉमिक करंट है, वो अपने आप को रिडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इस आयरन पीस में, क्योंकि अब हमने करंट पास कर दिया इसमें। तो जो रिजल्टेंट बाउंड करंट बनेगा IB, देखिए ये एक जब IF नहीं पास किया था तो कुछ ये इस तरीके से था, ये आपस में सब कैंसिल आउट कर रहे थे, लेकिन जैसे ही आपने IF पास किया तो ये यहाँ पर एक बाकायदा एक करंट, कंक्लूसिव करंट बहने लगेगा। ठीक, यानी कि जो रिजल्टेंट बाउंड करंट, बाउंड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो बाउंड्री पे बन रहा है, जो बाउंड करंट है वो जनरेट होगा इस आयरन पीस में। जब ये करंट IF को आप जीरो कर देंगे, तो जितने भी एलिमेंटल एटॉमिक करंट होंगे वो अपने ओरिजिनल स्टेट पे नहीं आएंगे, राइट? ये अपने ओरिजिनल स्टेट पे नहीं आएंगे, जबकि आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपकी इसकी अभी भी जीरो रहेगी। इसका मतलब इस करंट को हटाने के बाद भी, क्योंकि आपने अलाइनमेंट कर दिया, एक बाउंड करंट जरूर इसमें होगा, इस करंट से ये अब मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा, इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। तो हमने ये पहला पार्ट डिस्कस किया इस टॉपिक का, अभी और भी बाकी है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।